कल्की धाम में जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं ये कल्की अवतार हैं, इनकी पूजा और पद्धति के लिए कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर अनेक संत महापुरुषों का आगमन हुआ है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो हमारे यहाँ के महाराज श्री हैं वो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात है कि जाति पात नहीं, सभी जाति के लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, सभी धर्म के लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये कार्यक्रम एक राष्ट्र एकता का प्रतीक है, देश में सभी को जोड़ने का ये कार्यक्रम हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वामी जी को आज इस कार्यक्रम में मैंने देखा लाखों लोग आए हैं और लाखों लोगों से स्वामी जी जिस प्रकार मिल रहे हैं, सारे व्यक्ति स्वामी जी के दर्शन कर कृतार्थ हो रहे हैं। मैंने मेरे जीवन में ऐसे संत महापुरुष नहीं देखे जिनकी आवाज को इतने लोग पागल हैं। कल उन्होंने जो आवाज दी लोगों को, सारे लोग झूम गए, ऐसे लग रहा था कि एक ब्रह्मवाणी हो रही है। तो स्वामी जी जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सब संत महापुरुषों को बुलाकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ निसंदेह ये राष्ट्र एकता का कार्यक्रम है, देश को अखंडता से जोड़ने का कार्यक्रम है और यहाँ पर सभी धर्मों का मिलन है, सभी धर्म के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। मैं तो मानता हूँ कि देश के अंदर आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसा महान संत नहीं है जो हमारे देश की राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब एक साथ यहाँ पर स्वामी जी को प्रणाम करते हैं और स्वामी जी उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये देवताओं की भूमि है। लोग कहते हैं कि बैकुंठ धाम जाना है, मुझे इस कल्की महोत्सव में आने से इतना मतलब महसूस हुआ कि मैं बैकुंठ में आ गया हूँ, मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आचार्य जी के दर्शन करने से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरा जीवन धन्य हो गया है। परमपिता परमात्मा पूरे देश को ये समय प्रदान करता है, ये 5 दिवसीय जो कल्की महोत्सव होता है वास्तव में परमात्मा के पास जाने का समय है, आनंद लेने का समय है और ईश्वर की सच्ची भक्ति का जो कार्य हो रहा है वो कल्की धाम के अंदर हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं साक्षात भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। स्वामी जी से मिलने के बाद तो ऐसा अनुभव हुआ, इतना मेरा मन आनंदित हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि कोई एक महापुरुष मुझे मिल गया है, मेरे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो गए हैं। मैं कल्की पीठाधीश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपने बात को यही विश्राम देता हूँ। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इंडिया क्राइम न्यूज, जुलम के